उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच गोरखपुर इकाई की आवश्यक बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अध्यापक भवन के सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मंच के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरेंद्र राय ने किया तथा संचालन जिला मंत्री श्रीधर मिश्रा ने किया। बैठक में 6 फरवरी से 12 फरवरी तक होने वाले महाहड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरेंद्र राय ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर प्रदेश आह्वान पर गोरखपुर के कर्मचारी शिक्षक 6 फरवरी से 12 फरवरी तक हड़ताल पर रहेंगे। शहर में कार्यरत कर्मचारी शिक्षक और निकट के ब्लॉक पिपरौली, खोराबार, पिपराई, चरगावा, भटट और जंगल कोड़िया के कर्मचारी नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में एकत्र होंगे तथा शेष ब्लॉकों के लोग अपने अपने ब्लॉक के VRC पर 11 बजे से 3 बजे तक एकत्र होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए जिला मंत्री श्रीधर मिश्र ने कहा, बहाली मंच के बैनर तले आज अध्यापक भवन में 6 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होने वाले हड़ताल की तैयारी बैठक की गई है। इस बैठक में गोरखपुर के आपका जो लक्ष्मीबाई पार्क है, जहां पे हम लोग प्रदर्शन धरना करते हैं, वहां पे लोग इकट्ठा होंगे और जो दूर के ब्लॉक हैं वो अपने अपने VRC और अपने अपने जनपद मुख्यालय पर एक कर्मचारी शिक्षक बहाली मंच पेंशन बहाली मंच के पदाधिकारी कर्मचारी शिक्षक कर्मचारी जान से जान लगा देंगे पुरानी पेंशन बहाल करा के रहेंगे और पुरानी पेंशन लेकर के ही रहेंगे। श्रीधर मिश्र, ऐसा है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हम लोग आंदोलन में हैं। इसके पहले हम लोगों ने धरना दिया और अब 6 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक महाहड़ताल होगी, जिसमें समस्त कर्मचारी और शिक्षक हड़ताल पर रहेंगे। उसी की तैयारी आज हम कर रहे हैं। जो गोरखपुर नगर के निकट के ब्लॉक हैं उसके कर्मचारी और शिक्षक नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आएंगे और दूरस्थ ब्लॉकों के कर्मचारी और शिक्षक संबंधित ब्लॉक मुख्यालय के ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर बैठकर धरना देंगे। 12 तारीख जो अंतिम दिन होगा उस दिन सारे के सारे कर्मचारी रानी लक्ष्मीबाई पार्क आएंगे और उस दिन हम लोग रैली निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय तक जाएंगे और वहां पहुंच करके मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को देंगे।